ग्वालियर की कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश की जन आशीर्वाद यात्राओं में जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। दो तिहाई बहुमत से सरकार फिर से हम बनाने वाले हैं। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश की ओर से उपलब्धियां गिना रहे थे। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि G20 की बैठक में आतंकवाद का अंडरलाइन किया गया है, यह मोदी की बड़ी सफलता है। मुझे कहते हुए गर्व है, कल जो ग्वालियर में जिस तरीके का जनता ने आशीर्वाद दिया है, मैं सोच रहा था कि नरेंद्र सिंह जी से मैंने बहुत आग्रह किया कि आप आइए, सिंधिया जी से किया, बाकी सबकी अलग अलग यात्राओं में ड्यूटी लगी हुई थी। मैंने कहा पता नहीं कैसा स्वागत होगा वहाँ, दो बड़े नेता हमारे हैं नहीं, पर उन्होंने वहाँ बैठे बैठे ही जिस तरीके की यहाँ व्यवस्था की, मेरा मन गदगद हो गया कि ऐसा स्वागत ग्वालियर में हो गया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जो बड़ी बड़ी मालाएं जितनी मैंने ग्वालियर में पहनी है, मेरा राजनीतिक जीवन लगभग 40 साल का, इतनी माला मैंने कभी नहीं पहनी।